हाँ जी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट की थी अपनी एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन ओनली टू ही क्वेश्चंस थे उसमें आज हम अपना कंप्लीट करेंगे फोर्टीन पॉइंट टू एक्सरसाइज इसमें टोटल नाइन क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बारी जो बुक में आपके एग्जाम्पल्स की बन है उसको डिस्कस करते हैं लास्ट हमने बेटा यहाँ से किया था देखिए फोर्टीन पॉइंट वन के टू ही क्वेश्चन थे हमने ये वाले कंप्लीट किए थे आज हम करेंगे जी प्रजेंटेशन ऑफ डेटा फोर्टीन पॉइंट टू एक्सरसाइज से पहले गिवन है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बेटा यहाँ पे ध्यान देनी है जब भी आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो उसमें से कुछ की आएंगे तो आपने या तो उन की को अंडरलाइन कर लेनी है या फिर यहाँ से अलग से सेपरेटली अपने ही उसी पेज के ऊपर जिस पेज के रिगार्डिंग वो फाइंड आउट करें आपने वो टॉप मोस्ट आप पेंसिल से वहाँ पर वहाँ पर लिख लेना है आपने और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था जी कलेक्शन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेज भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा आफ्टर दैट कलेक्टिंग ऑफ डाटा वी विल प्रेजेंट हाउ मैनी वेज हम डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं सबसे पहले इसमें क्या स्टेप है ऑब्जर्व करना होता है कि जो डाटा गिवन है कितने क्वांटिटी में गिवन है कितने नंबर्स हैं लार्ज क्वांटिटी है स्मॉल क्वांटिटी ऑब्जर्व करना है इसको एनालिसिस करना है डाटा का फिर उसके अकॉर्डिंग हम इनके ऊपर कोई भी हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की देर आर सो मैनी टेक्निक्स मैथड्स टूल्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा को रिप्रजेंट कर सकते हैं सो दैट कि इससे मीनिंगफुल रिजल्ट ड्रॉन uh, आउट कर करे जा सके कंक्लूजन्स लिया जा सके कोई भी देखो एज सुन एज द वर्क स्टेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीटेड ठीक है जो लास्ट में हमने द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड आउट इन्वेस्टिगेटर कौन हम लोग जो हम uh, प्राइमरी डाटा मतलब हम खुद जाके इन्वेस्टिगेट करके डाटा कलेक्ट करते हैं फिर सेकेंडरी अन अदर के पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस टेलीविजन न्यूज़पेपर के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं वी टू प्रेजेंट देम इन अ फॉर्म विच इज मीनिंगफुल ईजली अंडरस्टूड एंड गिव्स इट्स मेन फीचर्स एट अ ग्लांस लेट अस नाउ रिकॉल द वेरियस वेज वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा थ्रू सम एग्जाम्पल यहाँ से बेटा एग्जाम्पल नंबर वन में देखिए टेन मार्क्स हैं टेन स्टूडेंट्स के दैट डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ रो डाटा में गिवन है रो डाटा मीन्स देखो कभी स्मॉल क्वान्टिटी कभी बिग क्वान्टिटी ठीक है इसको हम कैसे कर सकते हैं उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन क्या क्या एराइज किया यहाँ पे यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है हमने बाय लुकिंग एट इट इन द फॉर्म कैन यू फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स हाईएस्ट और लोएस्ट डिड इट मेक सम टाइम टू सर्च मैक्सिमम हाइएस्ट या लोएस्ट और हम इसको मैक्सिमम हाइएस्ट को मैक्सिमम और लोएस्ट को मिनिमम भी बोल सकते हो कहते ऐसे हमारे लिए इजी नहीं होगा कि एकदम से हम फाइंड आउट कर सके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं डाटा को फर्स्टली वी विल अरेंज द ओल्ड द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या फिर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम डाटा को अरेंज करेंगे यहाँ पे हमने डाटा अरेंज कर लिया अब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अरेंज फाइंड आउट करनी है बेसिकली इस क्वेश्चन में रेंज बस कुछ भी नहीं करना यहाँ पे देखिए ट्वेंटी फिफ्थ इज द लोएस्ट आइटम एंड नाइन्टी फाइव इज द हाइएस्ट मार्क्स ठीक है ट्वेंटी फाइव से लोएस्ट मार्क्स हाईएस्ट में से लोएस्ट लोएस्ट हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट हम लेस uh, करेंगे तो रेंज आ जाएगी सो दिस इज द रेंज फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये तो ये तो कह रहा है कि चलो स्मॉल क्वांटिटी में डाटा तो आप ऐसे कर सकते हो अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो डाटा की ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा अगर डाटा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है फिर हम कौन सा मेथड एडोप्ट करेंगे ये वाला ठीक है इस एडोप इस मेथड में क्या करना होता है इसमें बहुत इजी से फ्रिक्वेंसीज के थ्रू देखो अक्रिंग देखनी होती है कौन सी आइटम्स कितने बारी अकर कर रही है हैपनिंग हो रही है जैसे टेन टेन मार्क्स हैं थर्टी स्टूडेंट्स हैं टेन मार्क्स हैं हम देखेंगे कि टेन मार्क्स किसी और स्टूडेंट्स के भी हैं चलो ये तो नहीं है कुछ और डाटा कुछ इस टाइप का डाटा देखते हैं जो टू या थ्री फोर टाइम्स नीचे देखिए यहाँ पे फोर स्टूडेंट्स हैं जिनके सेवेंटी मार्क्स हैं फोर स्टूडेंट्स के हमेशा याद रखना बेटा या तो जब भी आपको किसी नुमारिकल फिगर्स में से आप ऑब्जेक्टिवल डाटा फाइंड आउट करना चाहते हो या तो उसको लेफ्ट टू राइट में ऐसे सीक्वेंस फॉलो करना या फिर टॉप टू बॉटम करना ऐसे मत एक, एक, एक रैंडमली उठा उठा के देखने मत लग ठीक है उससे हमारा क्या होगा कोई ना कोई आइटम स्किप हो सकती है तो यहाँ से हम सपोज ऑफ हमने माइंड में सोच रखा है कि सेवेंटी देखते हैं कि कितने टाइम्स यहाँ पे सेवेंटी मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं वन हंड्रेड में से मार्क्स गिवन है थर्टी स्टूडेंट्स हैं क्लास में थर्टी मीन्स एन हमारा क्या होगा थर्टी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थर्टी थ्री जीरो थर्टी स्टूडेंट्स हम सेवेंटी फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट रो में वन सेवेंटी देखो ये ठीक है जी फर्स्ट रो में बेटा वो एक सेवेंटी ये रहा सेकंड रो में सेवेंटी फिर अगेन सेक ठीक है फर्स्ट रो में देखिए टू सेवेंटीज़ आ गए एंड लास्ट रो में सेवेंटी फिर आ गया इट मीज़ वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स सेवेंटी यानी कि फोर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सेवेंटी मार्क्स हैं देखिए यहाँ नीचे देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन में रिकॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड अपटेंड अ सर्टन इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में यहाँ पे हम कैसे फाउंड फाइंड आउट करेंगे जब डाटा हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में गिवन है या हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला फिट है अ सर्टन अंडरलाइन कर लेना बेटा मेन जो लाइन है इसमें यही लाइन है मेन अ सर्टन नंबर ऑफ मार्क्स इज़ कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स फ्रिक्वेंसी का मीनिंग है फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी से कौन से मार्क्स हैं जो फिर फिर से स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं वो मार्क्स यानी कि सेवेंटी मार्क्स फोर टाइम्स गेन करें उसने ठीक है सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेवेंटी मार्क्स इज फोर वेरी इजी टू मेक द डाटा मोर इजली अंडरस्टेंडेबल वी राइट इट अब हम इसको देखो ये होता है टेक्सचुअल फॉर्म जो हमने ये लिखा ना टेक्सचुअल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या टेक्सचुअल बट ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होता इसको हम टैबुलर फॉर्म में फिट कर देंगे किस वे में इस वे में देखिए टेन मार्क्स हैं सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट्स के हैं मार्क्स ये टेबुलर फॉर्म है ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रिकुनसी फ्रिकुवेंसी मतलब हाउ हाउ मेनी टाइम्स फ्रिकुनटली अकर दिस नंबर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट्स के जैसे टेन मार्क्स हैं ओनली वन स्टूडेंट्स के हैं फिफ्टी थ्री स्टूडेंट्स के रैंडमली हम देख लेते हैं कहीं कहीं सेवेंटी टू मार्क्स ओनली वन स्टूडेंट्स के हैं हाइएस्ट नाइन्टी फाइव मार्क्स हैं ओनली वन स्टूडेंट के हैं ऐसे नाइन्टी टू मार्क्स थ्री स्टूडेंट्स के हैं ठीक है ये अब बेटा एक चीज़ आपने यहाँ से ध्यान से देखनी है जो मार्क्स हैं यहाँ पे टेन ट्वेंटी थर्टी सिक्स ठीक है इंडिविजुअल सीरीज़ बोला जाता है इसको जो इस टाइप के मार्क्स गिवन होते हैं अगर इनसे भी ज़्यादा मार्क्स देखो यहाँ तो ओनली थर्टी स्टूडेंट्स है सपोज ऑफ दैट हमने वन हंड्रेड स्टूडेंट्स का टू हंड्रेड स्टूडेंट्स के मार्क्स को अरेंज करना है यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में डिपिक्टेबल रीडेबल फॉर्म में शो आउट करना है तो हम कैसे करेंगे वो फिर हम से एग्जाम्पल नंबर थ्री में देखते हैं इस वाली सीरीज़ को फ़िलहाल क्या बोलते हैं अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अनग्रुप्ड मीनिंग मीनिंग क्या है बेटा अनग्रुप्ड का क्योंकि हमने इस चीज़ की ग्रुपिंग नहीं करी टेन मार्क्स हैं ओनली वन वन स्टूडेंट के आप इस वाली इस जो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी शो आउट शोआउट करी है इसको बेटा हम कैसे भी शो कर सकते हैं टेलीग्राम्स में ठीक है टैलीस लिख के टेली कैसे जैसे वन वन का यहाँ पर वन लिख दिया वन का फिर थ्री ऐसे ठीक है इस वे में भी हम टैलीस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको फिलहाल इसको बोला जाता है बेटे अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी सीरीज नहीं बनाई अब बेटा एग्जाम्पल नंबर थ्री वन हंड्रेड प्लांट्स हैं वन हंड्रेड प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन वन हंड्रेड स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव आफ्टर वन मंथ अब देखना चाह रहे हैं कि हमने वन महोत्सव था जो हमारी सेलिब्रेशन थी वन महोत्सव की वन हंड्रेड हमने वन हंड्रेड स्कूल्स में प्लांटेशन करी थी आफ्टर वन मंथ कितने प्लांट्स ने सर्वाइव करा ठीक है अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे उनका डाटा गिवन है ठीक है अब देखिए वन हंड्रेड अब इसको हम फर्स्ट एग्जांपल की तरह भी नहीं कर सकते अरेंज ठीक है तो क्योंकि अगर हम अरेंज करने लगेंगे कोई ना कोई आइटम फिर स्किप हो सकती है सेकंड नंबर भी हमें लेंथी लग रहा है ठीक है सेकेंड नंबर भी मतलब टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली हम बोलेंगे टाइम कंज्यूमिंग बट हमने सबसे पहले डाटा ऑब्जर्व करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट एग्जांपल का फार्मूला या फिर सेकंड का या फिर थर्ड का कोई भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने डेटा को अरेंज करके नहीं करना या फिर टेलीबार्ज की फॉर्म में नहीं करना ठीक है अब थर्ड एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया हुआ थर्ड एग्ज़ाम्पल में देखिए सबसे पहले आपने लोएस्ट फिगर फाइंड आउट करनी है और हाईएस्ट फिगर हाईएस्ट और लोएस्ट लोएस्ट हमारी कौन सी फिगर है यहाँ पे यहाँ पे देखिए ठीक है लोएस्ट मतलब डाटा ट्वेंटी थ्री ठीक है कॉलम्स में हम ढूंढते हैं ट्वेंटी थ्री लोएस्ट फिगर हमारी फाइंड आउट लग रही है ट्वेंटी थ्री ठीक है जी ट्वेंटी थ्री हमारी लोएस्ट है ऐसे ही मे बी नाइन्टी फाइव हाई नहीं नाइन्टी फाइव नहीं नाइन्टी एट देखिए ठीक है नाइन्टी एट और ट्वेंटी थ्री अब हमने इन्हीं के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल्स मेंटेन करनी है इसमें यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है कम्प्लीटली टू प्रेजेंट सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सो दैट आ रीडर कैन मेक सेंस ऑफ इट इजली बिकॉज ऑफ दैट हम डाटा डाटा को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपिक्ट कर रहे हैं हम उसको कुछ रीडेबल फॉर्म में कोई रिजल्ट देखना चाहते हैं कि हर कोई उससे जल्दी से रिजल्ट जज आउट कर सके जैसे यहाँ पे किया गया इतने बड़े डाटे को टैबुलर फॉर्म में कितने अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया गया ठीक है देखिए कैन मेक सेंस वी कंडेंस्ड इट इंटू कंडेंसड मतलब उसको संकुचित कर दिया गया स्मॉल फॉर्म में समरी की फॉर्म में यहाँ पे डाटा कर दिया गया ठीक है ग्रुप्स लाइक हम कहते हैं ग्रुप्स बना लेते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू सो ऑन सिंस अफर डाटा इज़ फ्रॉम ट्वेंटी थ्री टू नाइन्टी एट ट्वेंटी थ्री उन्होंने कहा लोएस्ट आइटम है और नाइन्टी एट हाइएस्ट तो हमारी जो ग्रुपिंग हमने करनी है इन दोनों आइटम्स को इंक्लूड करके करनी है देखो नाइन्टी एट लोएस्ट है तो नाइन्टी एट से कुछ प्लस कर सकते हैं बट उससे कम नहीं करना और जो लोएस्ट है ट्वेंटी थ्री इसे लोवेस्ट कर सकते हैं कम नहीं रख सकते ट्वेंटी इट मींस इस डाटे को देखते हुए हम अपनी क्लास इंटरवल्स अपने आप मेंटेन कर सकते हैं कुछ इनके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने गैपिंग कितनी लेनी है इंटरवल्स कितने लेने हैं ठीक है जी ये देखिए द ग्रुपिंग आर कॉल्ड क्लासेस क्लास इंटरवल्स एंड देआर साइज साइज क्या है साइज ये वाला क्लास विड्थ ध्यान से देखना बेटा ये कीवर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं सी बी एस ई के पेपर्स में जब मार्किंग होती है उसमें जब स्टूडेंट्स पेपर सॉर्ट आउट करता है सॉल्व करता है उसके उसके रिटर्न पैटर्न में यही जजमेंट की जाती है कि बच्चे ने स्टूडेंट्स ने जो कीवर्ड्स हैं वो अपना मेंशन किए हैं जो प्रॉपर कीवर्ड्स किसी जैसे हमारे कंप्यूटर्स की टर्म्स होती हैं एच सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फॉर्मवेयर तो उससे पता लगता है कि स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक बेसिक टॉपिक के रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है थॉरली नॉलेज है तो ये कीवर्ड्स जरूर आपने जब भी रेलिवेंट टॉपिक हो वहाँ पे ये कीवर्ड्स पे ज़रूर फोकस करना है क्लासेस क्लास इंटरवल्स ये तो क्लासेस होगी देयर साइज क्या कहलाता है क्लास साइज एंड क्लास वेट्थ विच इज़ टेन इन दिस साइज हमने टेन लिया ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन देखिए टेन साइज एग्जिस्ट रहा है इन ऑफ दिस क्लासेज लिस्ट नंबर इज कॉल्ड अब ये भी ध्यान से देखना इन लिस्ट नंबर जैसे ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन्थ में देखिए लिस्ट नंबर कौन सा कहलाएगा इसका ट्वेंटी और लोएस्ट और, बोल लिस्ट क्या? लिस्ट क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ओके फॉर एग्जाम्पल ठीक है ट्वेंटी ये भी डन हो गया अब आ जाते हैं जी टेलीमार्कस मार्क्स टेली मार्क कैसे बनाने होते हैं हमें मार्क्स फोर एंड क्रॉस मेथड भी बोला जाता है इसे फोर एंड क्रॉस मेथड इसको फोर देखिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन के यहाँ पे क्लास इंटरवल इसको जरा अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस टाइप में गिवन है ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन यानी कि ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी नाइन में कितना डाटा एग्जिस्ट रहा है यहाँ से फिर हम कॉलम वाइज़ या रो वाइज ढूंढते जाएंगे ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन कौन सा एग्जिस्ट करा ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी टू ट्वेंटी एक तो देखिए ये आ गया ट्वेंटी एट एग्जिस्ट करे इन बिटवीन और जी फिर ट्वेंटी थ्री एग्जिस्ट करा दो ठीक है बार्स लगाते जाएंगे बस ट्वेंटी एट एग्जिस्ट करा ट्वेंटी एट एग्जिस्ट करा तो बार हमने एक लगा दी ट्वेंटी थ्री करा फिर सेकेंड लगा दी ट्वेंटी सेवन और नहीं एग्जिस्ट करा इन बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी भी इंक्लूडेड है ट्वेंटी नाइन भी इंक्लूडेड है ये याद रखना बेटा ठीक है इसमें थ्री आ गई तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ऐसे ठीक है आपने सेंट्रलाइज नहीं करना इसको सेंटर नहीं ऐसे ही ठीक है लेफ्ट लेफ़्ट टू राइट लेके चलना है ठीक है वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगता अगर टेली टेली मार्किंग हम सेंटर सेंटर निकालते जाते हैं ठीक है थीके? इसी वे में यहाँ से स्टार्ट करके लेफ्ट टू राइट चलते जाना है अगर टेली मार्क्स फोर हो जाते हैं तो हम डाइग्नली इसी वे में अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसी वे में प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हुए ऐसी क्रॉस करेंगे इसको बोलते हैं फोर एंड क्रॉस मेथड ठीक है जी देखिए यहाँ पे अपना थ्री फोर्टीन ये होगा कंप्लीट बस आप ऐसे ही ठीक है वहाँ से डाटा बाईफर करते जाना है आपने बेसिकली क्या करना है नंबर एक से स्टार्ट करना है नाइन्टी फाइव कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है फिर सेवेंटी सिक्स फिर सेवेंटी फाइव इनकी टैलीज लगाती जानी है टैली एक एक ठीक है नाइन्टी फाइव यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है एक टैली लगाते जाना है ऐसे ये नहीं कि पहले ट्वेंटी से ट्वेंटी नाइन ढूंढना नहीं आपने बिल्कुल हमने अपना टाइम भी सेव करना होता है क्योंकि मैथ का पेपर 100% हंड्रेड परसेंट स्क्योरिंग है मैथ्स इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का पर उसको हमने टाइम कैसे सेव करके चलना उस वे में हमेशा अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है सो so दैट कि हम बड़ी इजीली से हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन निकाल सके ठीक है जी अब इसको बोला जाते ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड क्यों क्योंकि हमने ग्रुपिंग कर दी क्लासेस मेंटेन कर ली इसको ग्रुप्ड डाटा बोला जाता है ठीक है जी अब उन्होंने यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन एराइज किया था आफ्टर वन मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइवड वर रिकॉर्डेड एज अच्छा हमने ये फाइंड आउट करना था कि कितने प्लांट्स ने सर्वाइव करा ठीक है जी यहाँ से परसेंट और मोर का डाटा हमने बताना था उनको फिफ्टी परसेंट यानी कि क्लास इंटरवल्स हमारी फिफ्टी से स्टार्ट है फिफ्टी परसेंट और मोर ये देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली ये जो स्टेटिस्टिक्स में जितने भी हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करनी भी साथ साथ जरूरी होती है ठीक है तो कंप्लीट क्वेश्चन माना जाता है कि आपने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया है फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन फिफ्टी परसेंट के अंडर कौन सी कैटेगरीज आ गई नंबर ऑफ़ स्कूल्स कौन से आ गए एट स्कूल्स नंबर ऑफ़ स्कूल्स एट स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन इतने प्लांट्स सर्वाइव कर गए ठीक है जी एटीन यहाँ से लेके आपने फिफ्टी टू फिफ्टी परसेंट या देखिए प्रजेंटिंग डाटा दिस फॉर्म सिम्पली कन ठीक है एंड एवल जस्ट टू ऑब्जर्व दैट सर्टन इंपॉर्टेंट कहते जो आप प्रेजेंट कर रहे हो अब यहाँ से कुछ हम फीचर्स जो हम कंक्लूजन लेना चाहते हैं अब यहाँ इजिली से हम कंक्लूजन आउट कर सकते हैं ठीक है सर्टन इंपॉर्टेंट फीचर्स एट अ ग्लांस दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिसीजन लिया अब हमने यहाँ से ये वाला रिजल्ट निकाला हेयर वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट दिस मच और मोर प्लांट्स फिफ्टी परसेंट और मोर मोरियस आर मोर की कैटेगरीज में सर्वाइव्ड इन एट प्लस दिस दिस इज इक्वल टू सेवनटी वन यानी कि सेवेंटी वन स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी फिफ्टी परसेंट और उससे ज़्यादा प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं यानी कि सेवेंटी वन स्कूल्स ऐसे हैं ठीक है ये अपना कंप्लीट होगा ठीक है बेटा